तो यो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज भी मैंने सुबह सुबह बेड से अभी तक नहीं उतरी हूँ, सो के उठने के बाद ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज ही एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे। तो आप लोग सोचेंगे आज क्या है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आज है पहला वैशाख बंगालीज की, आज है न्यू ईयर। सो जो भी सारे बंगालीज मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर आज के दिन मानते हो, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो, आप सभी को मेरी तरफ से शुभ नव वर्ष हो। आप सभी को, आप सभी का पूरा साल बहुत अच्छी तरीके से बीते, सारे ड्रीम्स फुलफिल हो। आमार तरफ थेके तोमादेर सकलके जानाई शुभ नव वर्ष, खूब भालोभावे आजकेर दिन केन पुरो बछरटा खूब भालोभावे काटियो। और आज के दिन इस साथ ना मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, अदरवाइज ज़्यादा लोगों को मतलब समझ नहीं आएंगे। तो आज के दिन के साथ ना मेरा बचपन के बहुत बहुत मेमोरीज है मेरी मम्मी पापा के साथ, क्या ही बताओ। आज के दिन मैं हमेशा जब से छोटी सी थी तब से मैं देखती आ रही हूँ, मम्मी आज के दिन नया बेडशीट चेंज करते थे क्योंकि न्यू ईयर है, नया कर्टन्स लगाते थे, डोर मैट लगाते थे, खुद नया कपड़े पहनते थे, मुझे पहना थे, मेरे पापा को पहनाते थे, और अच्छा अच्छा खाना जो भी कुछ होते थे घर में अच्छा कुछ बनाते थे। तो ऐसे ही हमारे ना न्यू ईयर सेलिब्रेट होते थे बंगालीज में पहला वैशाख। उसके पहले शॉपिंग करना, अभी तो मम्मी नहीं है तो किसी भी चीज़ में मन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगती है। बट अभी मैं मतलब यही सारे मेमोरीज है, नानी घर पे भी गए थी तो नानी भी रो रहे थे क्योंकि पहले का वो अलग थे, अभी अच्छा नहीं लगती है कुछ भी, मम्मी नहीं है इस वजह से। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ इस चीज़ को लेके कितना दिन मैं मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगती है। बट अभी देखिए मेरा नया लाइफ है, शादी हुई है, अभी इधर पर अगर मैं नहीं करूँगी वो ही सैडनेस लेके बैठी रहूँगी तो मेरे हस्बैंड को भी बुरा लगेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर उसको भी ख़राब लगेंगे कि मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो इस वजह से आज मैंने सोचा है मैं भी जैसे जैसे मम्मी करते थे थोड़ी थोड़ी करके फॉलो करके जितना मुझसे हो पाएंगे मैं करूँगी। तो एक कॉल आ रही है, मैं सबसे पहले कॉल को रिसीव कर लेती हूँ। अभी ना मैं सबसे पहले इधर पर मेरे हस्बैंड आज बाज़ार से मटन लाई है, तो मटन को मैं मैरिनेट करके रखूँगी इधर। तो ये देखिए गाइस, इधर पर मटन लाए हैं मेरे हस्बैंड। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मटन को मैरिनेट करके रख दूँ, देन बाकी का काम करूँ। अदरवाइज़ ये मैरिनेट होते होते फिर अच्छे से मतलब रेडी होते होते ना आधा एक घंटा लग जाती है। तो अभी इसे मैरिनेट करके रख देती हूँ, देन मैं बाकी का घर का काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ हाथ पाथ धो के, सबसे पहले मैं ये काम कर लूँ। और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं मेरे सारे बच्चों को खाना देने के लिए, और इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है किचन में आना ही मुश्किल हो रही है, इतना गर्मी। तो चलिए मैं सब रेडी कर लूँ, देन मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। चलिए, तो इधर पे मटन को मैंने वॉश कर लिया है और अभी मैं इसको अदरक लहसुन का पेस्ट देके एंड उसके बाद बाकी का जो भी मसाले होंगे वो मैं देके ना इधर पर मैरिनेट कर लूँगी। ठीक है, चलिए मैं हाथ को धो लूँ। प्याज भी मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ इधर पे, स्वाद अनुसार नमक दूंगी या फिर उसे थोड़ी सी कम दूंगी क्योंकि बाद में जब मैं बनाऊंगी ना तब बाकी का ऐड कर दूंगी। ये इतना छोटा सा चम्मच है, हज़ार बार उठाना पड़ता है। इधर पे मैं हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूंगी, बस अभी मैं ऐड करूंगी जीरा पाउडर। नेक्स्ट इधर पे मैं अभी मैं इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर दूंगी थोड़ी सी एंड उसके साथ सरसों का तेल ऐड कर दूंगी। और इसमें चाहे तो खट्टा दही भी दे सकती थी बट आज मैं बिल्कुल सिंपल वे में बनाऊंगी, बस आधा घंटा मैं ऐसे मिक्स करके रख दूंगी एंड देन मैं इसको बनाऊंगी। वीडियो क्वालिटी ना कैसे आ रही है, मतलब अच्छी तरीके से, मैं 3-4 मिनट से भी ज़्यादा मैं इसको ऐसे ही मैरिनेट करूँगी। जितना मैरिनेट अच्छा होती है ना उतना ही ज़्यादा मतलब मटन अच्छे से बनती है, टेस्टी बनती है। की नहीं है ले? तो गया। नहीं ला, 90। तीन नाइटी आलमारी तो एक, काफ्तान छिलो। 90 90
আই টি সপ্তম তুমি হ্যাঁ আর তুমি কি পড়বে রলার নিচে আছে তো যেটা একটা আমরা কিনেছিলাম না হোয়াইটের মধ্যে সুন্দর দেখতে এরই ওপর দিয়ে পাতবে আবার পরে খুলে রেখে দেব পাও नीचे सारा जो नया सामान है ना गिफ्ट में मिली हुई हमारी खुद के खरीदी हुई नया जो भी सामान है सब इसके अंदर है। रुकिए मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। ना ना तो ना तार नीचे हाँ स्टिकर टा खोलो तो नीचे जो बेडशीट है ना मेरे हस्बैंड को मैंने बोली है ये वाला थोड़ी सी बिछाने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी अभी खाना बनाऊंगी या फिर ये सब करूंगी और एक पिलो कवर टा लागिए तार ओपर दिए टा पड़बे रुकिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ तो ये जो पिलो कवर है ना यही वाला लगाएंगे एंड बेडशीट सेम है और ऐसे सेम ना मैं नानी को भी एक गिफ्ट में दी थी दुर्गा पूजा के टाइम में नानी को भी सेम कलर थोड़ी सी डिफरेंट है वो येल्लोइश थोड़ी सी है और ये थोड़ा सा लाइट कलर है दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर थे नानी को वो पसंद आया था और हमने ये वाला ले लिए थे तो चल ओटा पोड़ी दाओ पोड़ी और ओपर दिए पड़ाओ ओटा पर खुले रखा जाए एटा पेते रखबो ना दूर खोले दाओ तो ऐसी स्विचटा बंद कर दाओ इस तरफ देखिए गाइस तीन जो नाइटी लेके आए हैं हमारे उस घर में रखे हुए थे और उनका एक टी शर्ट लेके आए हैं और इधर पे ट्रैक पैंट नया बिल्कुल है और बेडशीट लगाने का जो नया काम है वो मैंने हस्बैंड को दे दिया है क्योंकि अभी मैं खाना बनाऊंगी या फिर ये सब काम करूंगी फिर घर घर पे झाड़ू लगाना है सब काम निपटा के दिन में नहाऊंगी अदरवाइज इतना गर्मी हो रही है ना अभी अगर मैं नहा के काम करूँ फिर दिखने लायक नहीं रहेंगे बेडशीट लागे दिलो ना पिलो ये देखिए गाइस सुंदर है ना दिखने में डिजाइन लगा ऑपोजिट से लाइट आ रही है ना इसी वजह से अंधेरा अंधेरा सी लग रही है तो हमारा नया बेडशीट कैसी लग रही है मुझे जरूर बता थोड़ी सी ना साइज में मुझे छोटी लग रही है तो नेक्स्ट टाइम तो बेड तब नहीं ली थी ना आइडिया नहीं थी कि डबल बेडशीट है लेकिन इससे भी बड़े साइज़ का लेना पड़ेगा और वो वाला जो फ्लावर वास की तरह है ना मैंने हस्बैंड को बोली उसका प्लास्टिक जो उतार दो नहीं तो प्लास्टिक में ही रह जाएंगे धूल होंगे जो होंगे देखे जाएंगे बट प्लास्टिक में रखने का क्या फ़ायदा देखती हूँ चलिए आस्ते आस्ते खोलो नहीं पड़ो तो अभी सही लग रही है देखिए एक बार सुंदर लग जाए ना देखते वाओ एक एक तो चिक चिके दिखता सामने करो बहुत गर्मी हो रही है हाँ हाँ एक तो इधर करो इधर हाँ हाँ ठीक है मेरे डॉलर ने क्या किया है पता है मेरे हस्बैंड का नया ये किसका टोपी है नाइकेर किसे पुमा पुमा का टोपी बिल्कुल ये देखिए ये वाला जो टोपी है ना पूरा खराब कर दिया है ये वाला खा लिया है पेडिग्री दिए थे पेडिग्री खाई थी तो ना कढ़ाई चढ़ा दूंगी ऑयल भी देखिए कैसे मेरी पसीना पसीना हो रही है पूरी अच्छा नहीं लग रही है
अभी मैं दो बड़े साइज का प्याज काट लूंगी, ये साइज का काट के फिर मैं ऑयल में दूंगी, एंड ऑयल में फोरन में दूंगी थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी इलायची दो में लूंगी छोटे छोटे, एंड तेज पत्ता, ठीक है थोड़ा सा एक तेज पत्ता बस यही दूंगी, एंड मतलब जब उतारने के टाइम आएंगे तब मैं क्या बोलते हैं उसको गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। भागूंगी अभी मैं, भागूंगी अरे बाप रे, अचानक से हम दोनों को याद आई कि क्यों ना स्पेशल किसी को बुलाया जाए, और वो देखिए मेरे दीपक दा एंड मेरी सिस्टर इन लॉ, देखिए दोनों आ गए ही छोटा बाबू के साथ, तो आज हम एक साथ लंच करेंगे स्पेशल डे पे न्यू ईयर पे बंगालीज के। तो आज का सिंपल लंच मेनू, डेली खाना तो बनाती हूँ बट दिखाना लास्ट तक नहीं हो पाती, इधर पे प्लेन राइस है, इधर पे दाल है मसूर की दाल, एंड इधर पे है यदि आशो, इधर पे है मटन। सो यही है आज का लंच मेनू। उस घर में जीजा जी, रिलेशन में जीजा जी है बट मैं दीपक बात करता हूँ। हाय शोनाई, ছোলা বাদাম নিমকি এরকম জিজা জি পেতে গেলে ভাগ্য চাই। থ্যাংক ইউ দীপক দা, কি নিয়ে এলে? ফ্রুট স্যালাড খাওয়া হবে আমাদের। টেন টেন ফ্রুট নুন হ্যাঁ, তো চাট মশলাও আছে দেব, চাট মশলা দেখি এটা আলু খায় না না চাট আটে না লাগে হ্যাঁ নুন নুন বিট নুন তো জ্বালা মধ্যে দিয়ে।